हेलो दोस्त, आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट 2022 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेकंड के रूप में आ गया है, लेकिन मुंबई और गोरखपुर का भी लेवल 5 का भी पैनल फर्स्ट भी नहीं आया है। इस हफ्ते आ जानी चाहिए, नहीं तो लगता है कंपटीशन बहुत बड़ा हो जाएगा और लग रहा है कैंडिडेट के फेवर में नहीं है ये। 19 आरआरबी का पैनल लेवल 6 का और 3 आरआरबी का पैनल लेवल 5 का आ गया, और जितना मुंबई का डिले होगा और गोरखपुर का डिले होगा इतना ही लेवल 5 का ही इस आरआरबी में डिले होगा, क्योंकि जब तक ये आरआरबी कह रहा है लेवल 6 की वैकेंसी को किसी न किसी तरह से किनारे निकालेंगे, उसके बाद आगे की प्रोसेस करेंगे। तो चलिए, अभी चंडीगढ़ का आया है, चंडीगढ़ का देख लेते हैं सेकंड डीवी में क्या आया है, उसके बाद क्या अभी सीट के क्या स्कोप बचा है उसके बारे में पूरा डिटेल यहाँ पे आप देखेंगे सेकंड डीवी के बारे में। तो यहाँ कटअप यहाँ नहीं दिया है, बाकी अभी एक और डीबी आया था आपका, वहाँ वहाँ डीबी दो तीन आरआरबी ने ऑलरेडी ही पहले दे दिए हैं, तो इसको देखेंगे। इसके पीडीएफ में देखें तो आपको सीधा सा दिखेगा कितने कैंडिडेट को कॉल किया है। तो कॉल किया है कमर्शियल अप्रेंटिस के लिए 8 लोगों को, और अगर स्टेशन मास्टर को बोलेंगे लेवल 6 में तो 44 लोगों को। इससे सीट अभी भरा नहीं है, थोड़ा खाली है, लेकिन बहुत सारे रिजल्ट भी अभी विथहेल्ड होगा वगैरह वगैरह, उनकी भी अगर प्रोसेस हो जाएगी, किसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह उससे भी फुल होगा। तो लगभग लगभग सेकंड डीवी में इतना दिया है, जिनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 28 तारीख को दिया है। अगर इसको पीडीएफ के रूप में चंडीगढ़ को देखना चाहेंगे तो अब डिटेल में हमें दिखेगा पूरी वैकेंसी का पूरी कंडीशन। यानी अभी देखेंगे 11 सीट खाली था कमर्शियल अप्रेंटिस का, उसमें से 8 लोगों को अभी इस डीवी में कॉल किया है। और कम्युनिटी वाइज देखेंगे, हम कम्युनिटी वाइज दिखाएं तो यूआर से एक दो पोस्ट के अगेंस्ट एक को खाली बुलाया है, 3 पोस्ट एससी का था, 3 को बुला लिया, एसटी का फुल हो गया था, ओबीसी के लिए 4 पोस्ट थे उसके लिए 3 को बुलाया है, और 2 पोस्ट अभी खाली था फर्स्ट पैनल के बाद की बात कर रहा हूँ, 2 पोस्ट तो ईडब्ल्यूएस को एक को बुलाया है, टोटल 8 बुलाया है। 3 वैकेंसी हो सकता है उन लोगों का हो जो लोग अभी उनका स्टेटस फाइनल नहीं हुआ है, मेडिकल वगैरह का इशू रहा होगा। स्टेशन मास्टर के लिए यहाँ 362 पोस्ट था, 306 लोगों का पैनल आ गया है चंडीगढ़ में, लेकिन बाकी नीचे डिटेल में देखेंगे तो 56 पोस्ट अभी फर्स्ट प्रोविजनल पैनल के पास खाली था। फर्स्ट प्रोविजनल पैनल के बाद 56 खाली था सीटें, और कम्युनिटी वाइज कुछ इस तरह से था, 16 यूआर का, 5 एससी का, एसटी का 4, 24 ओबीसी का 7, आपका ईडब्ल्यूएस का, लेकिन 44 लोगों को बुलाया है, यानी 23 लोग को बुलाया है यूआर में, यानी समझ सकते हैं यूआर में ज़्यादा है, 2 आपका कैंडिडेट आपको बुलाया है एसी में, कटअप कम का होने के कारण भी हो सकता है, 4 कैंडिडेट एसटी में आने थे, चारों आ गए, 24 ओबीसी में आने थे, 11 आए हैं, 7 कैंडिडेट लाने हैं, 4 आए हैं, यानी टोटल टोटल कहें तो अभी टोटल अगर दिख ले तो यहाँ पे 44 वैकेंसी और यहाँ पे 56, 12 पोस्ट का भी कंडीशन क्लियर नहीं है, हो सकता है उनका कुछ डॉक्यूमेंट का इशू हो, मेडिकल रिसीव नहीं हो, टेम्प्रोरी अनफिट हो, या जो भी बायोमेट्रिक इशू हो, ऐसे ऐसी रीजन हो सकता है। तो कुल मिला के 12 सीटें और बच गए हैं चंडीगढ़ में, बाकी लेवल 5 जल्दी ही आना चाहिए चंडीगढ़ में, और बाकी आरआरबी में आ रहा है तो चंडीगढ़ में लेवल 5 की अच्छी खासी सीटें हैं। यहाँ पे 635 टाइपिंग वाले और 581 नन टाइपिंग वाले, यानी 7-5-12 के आसपास 1200 सीटें हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होगा चंडीगढ़ में लेवल 5 का रिजल्ट, और ज़्यादा ज़्यादा लगता है कि इस वीक आ गया तो अच्छी बात है, इसी वीक में अभी 3-4 दिन वर्किंग डे है, 3 दिन तो है ही है, अगर इस वीक नहीं आता है तो नेक्स्ट डे तो चंडीगढ़ आ ही जाएगा। लेकिन इशू है मुंबई और जो आरआरबी का भी बहुत स्लो चल रहा है, इन आरआरबी को थोड़ा सा तेज करना चाहिए। और कुछ लोगों का ये भी कमेंट है कि अगर ये एक बार में होता पोस्ट प्रायोरिटी थे तो अच्छा होता, तो बिल्कुल अच्छा होता, रेलवे ने सीबीटी 5 लेके एकदम सिंपल सी एग्ज़ाम को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, और वो टाइम टेकिंग है जिससे बहुत सारा समय लग रहा है, क्योंकि रेलवे में बिना सारी कैंडिडेट के पूरी कंडीशन देखे आगे की प्रोसेस नहीं किया जाएगा, सब सूटेबिलिटी देखे, तो अब 5ों का अलग अलग आ रहा है इसलिए टाइम लग रहा है। थैंक यू, धन्यवाद।